और आज के ये पहली रिक्वायरमेंट माल्टा के लिए है, जिसमें कि कंपनी को रिक्वायरमेंट हैवी ड्राइवर्स की, कुक, शेफ, बेकर, बाइक राइडर, कारपेंटर, इंडस्ट्रियल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है कंपनी सिर्फ जीसीसी रिटर्न्स को सेलेक्ट करेगी और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 22 से 40 साल। तो इनमें से अगर किसी भी जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप इस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हो माल्टा के लिए, तो इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए इनके व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा इनके दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल करके जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है फ्लोर और वॉल टाइलर्स की, जिसके लिए आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और IELTS में बैंड 4 होना चाहिए और आपको इंग्लिश बोलना और लिखना आना जरूरी है। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा इनके लिए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये यूएई के लिए है, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, MEP टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, BMS ऑपरेटर्स, HVAC टेक्नीशियंस, AC टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स और मल्टी स्किल्ड सिविल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस में। गल्फ का एक्सपीरियंस अगर है तो इजिली आपको जॉब मिल जाएगा। और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 42 साल। तो इनमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए जो स्क्रीन पे दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी जो है ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये पोलैंड के लिए है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा 5 से 7 जनवरी को होगा, 5, 6 और 7 जनवरी को होगा 2023 में, विशाखापट्टनम में होगा। और ये रिक्वायरमेंट है वेल्डर्स 138/136 LRC ग्रोजिंग ऑफशोर के लिए और वेल्डर्स TIG 141/111 ARC वेल्डिंग MMA और फिटर्स प्लेट, फिटर्स पाइप्स और एल्यूमिनियम MIG वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इनमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो पोलैंड के लिए, तो इसके लिए जो स्क्रीन पे दिए गए इनके नंबर पे आप इन्हें कॉल कीजिए और कॉल करके जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब के लिए है। इसका ये एक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 2 जनवरी 2023 में मुंबई में और ये रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन, सेंट्रल और नेटवर्क्स टेक्नीशियन, बॉयलर्स टेक्नीशियन, AC टेक्नीशियन, गार्डनिंग टेक्नीशियन, फोटोकॉपियर्स टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, RO प्लांट टेक्नीशियन, केमिकल टेक्नीशियन, एलिवेटर्स टेक्नीशियन और हाउस अप्लायंसेस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, प्रेस मैकेनिकल टेक्नीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, सेफ्टी टेक्नीशियन, केमिस्ट और ऑटो मैकेनिकल, सेंट्रल AC टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, हाउसिंग सुपरवाइजर और रिसेप्शनल लेबर टी बॉय और आर्किटेक्चरल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल वर्क्स मॉनिटर, फायर अलार्म सिस्टम टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन और जनरेटर्स, मैकेनिकल टेक्नीशियन, सिस्टम और कंट्रोल वर्क्स मॉनिटर और सिविल और आर्किटेक्चर वर्क सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। उसमें जो है आपके पास कम से कम जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ITI और कम से कम 5 साल का आपके पास ये सेम फील्ड में एक्सपीरियंस होना
जरूरी है। इसकी जो शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इनमें से अगर किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा जो है आप इन्हें कॉल करके भी इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब के लिए एक ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट है। ये एक्चुअली शटडाउन है और एक लॉन्ग टर्म भी है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा 31 दिसंबर यानी कि आज होगा मुंबई में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, केमिकल क्लीनिंग इंजीनियर और मैकेनिकल सुपरवाइजर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, वर्क परमिट रिसीवर, मैकेनिकल टेक्नीशियन SPM, प्लानिंग इंजीनियर और मैकेनिकल QC और सेफ्टी ऑफिसर, एडमिन असिस्टेंट और इलेक्ट्रिशियन और फायर वॉच और फ्लैगमैन के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है आपके पास और किसी भी ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 से 5 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा इनके दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है यूएई के लिए है, इसका इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इंटरव्यू डेट है 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023। और रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल हेल्पर्स की, जिसमें 40 लोगों की जरूरत है। SMAW वेल्डर के लिए भी 40 लोगों की जरूरत है और FCAW वेल्डर के लिए 10 लोगों की जरूरत है और GTAW वेल्डर के लिए 20 लोगों की जरूरत है और GDA+ SMAW वेल्डर के लिए 20 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो इनमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है इनके दिए गए नंबर पे आप इन्हें कॉल करके जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे इनके दिए गए एड्रेस पे जो न्यू बॉम्बे में हो रहा है, तो अपना बायोडाटा, पासपोर्ट और फोटोग्राफ जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में लेके जरूर जाइएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है बहरीन के लिए है, एक शिपयार्ड का प्रोजेक्ट है। और रिक्वायरमेंट है शिप रिपेयर मैनेजर की, पाइपिंग सुपरवाइजर, वर्क प्रिपेरेटर्स और प्लेटर सुपरवाइजर्स और प्लेटर फोरमैन। प्लेटर फोरमैन के लिए सैलरी आपकी रहेगी 200 से 300 बहरीन दिनार और प्लेटर फैब्रिकेटर्स के लिए सैलरी रहेगी आपकी 150 से 160 बहरीन दिनार। FCAW वेल्डर्स 3G 4G के लिए सैलरी है 130 से लेकर 150 बहरीन दिनार और रिजर्व जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए इसके लिए सैलरी आपकी रहेगी 100 से लेकर 140 बहरीन दिनार। और आपके पास जो GCC का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड मरीन में। और कंपनी के द्वारा आपको रहना और खाना बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो इसमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है स्क्रीन पे दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कर लीजिएगा। और इसके अलावा इनके दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है सऊदी अरब दमाम के लिए, ये एक ईस्टर्न कोस्ट ग्रुप का रिक्वायरमेंट है जिसका कि क्लाइंट इंटरव्यू होगा मुंबई में जनवरी के पहले हफ्ते में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, आरओ प्लांट्स और ऑपरेशन टेक्नीशियन, फाउंड्री मोल्ड ऑपरेटर और मैकेनिस्ट और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मेंटेनेंस टेक्नीशियन जिसमें आपके डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन में, और मैकेनिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन और EPS शेप और मोल्ड मशीन ऑपरेटर। इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास 3 से 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसमें कंपनी को काफी सारे लोगों की जरूरत है, तो जितने ज्यादा लोग हो सके अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसकी शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए इमीडिएटली इनके दिए गए ईमेल आईडी पे जो है आप अपना बायोडाटा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। और इसके अलावा आप इन्हें इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये जद्दा सऊदी अरब के लिए है, एक 5 स्टार लग्जरी होटल का रिक्वायरमेंट है।
और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बैंकेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है F&B सुपरवाइजर्स की, किचन के लिए रिक्वायरमेंट है शेफ डी पार्टी कॉमिस और बारटेंडर की, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है लॉन्ड्री अटेंडेंट्स, पब्लिक एरिया अटेंडेंट रेसिडेंट्स, हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स और बेल अटेंडेंट रेसिडेंट। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियंस और AC टेक्नीशियंस की। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 5-स्टार होटल में। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा मुंबई और कोची में होगा जल्दी। तो इनमें से किसी भी जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनके दिए गए ईमेल आईडी पे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो उस पर अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा जो है आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके भी जो है मुंबई के नंबर पे जो मुंबई से कोचिन से जो है कोचिन के नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहरीन के लिए, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट है और ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो है बहरीन के लोगों के लिए ही है। तो अगर आप बहरीन में हो तो इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ये रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन मैनेजर की, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। इसका जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन जूम पे होगा और इसमें आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और CRPF अप्रूवल होना चाहिए और कंपनी की द्वारा आपको रहना खाना और ट्रैवलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनमें से किसी भी जॉब के लिए आप इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हो तो इनके दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए और इसके अलावा आप इन्हें व्हाट्सएप करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की जो जॉब वैकेंसी आते हैं अब्रॉड के डेली हम हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।